गोसलपुर थाना क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थ से गौवंश के घायल होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। घायल गायों को उपचार के लिए वेटनरी हॉस्पिटल लाया गया। गौ सेवकों ने बताया कि जंगली जानवरों को मारने के लिए रखे गए विस्फोटक पदार्थों का शिकार गौवंश हो रहा है। दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। गोसलपुर क्षेत्र में जैन समाज द्वारा संचालित गौशाला के कुछ कार्यकर्ता घायल गायों को लेकर वेटनरी हॉस्पिटल पहुंचे। इन्होंने बताया कि जंगली जानवरों को मारने के लिए गांव वाले आटे में विस्फोटक रखते हैं, जिसका शिकार गौवंश हो रहा है। पुलिस कार्रवाई तक नहीं कर रही है, दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। भैया, ये जो घटनाएँ जो घट रही हैं गौशाला गोसलपुर के आसपास की गाँव में, सुअर मार बम रख रहे हैं ये लोग। ये जंगली जानवरों को पकड़ने के हिसाब से रखते हैं, और जो जंगली जानवरों के हिसाब से इसमें आटे में लपेट के ये बम को रखते हैं ये लोग, सुअर मार बम। तो जो आटे समझ के गाय खा लेती है, तो गाय खाते ही उसके मुंह में फट जाता है बम। मुंह में बम फटने से इसकी ये तो इसके तो जो गाय आई इसके तो जबड़ा बस गया, कहीं अंदर जाता तो गले का पूरा नीचे का सेप तक बाहर आ जाता है कभी कभी घटनाओं में। तो ये 3 दिन के अंदर 4th घटना है, और 2 घटनाएँ हमारे डॉक्टर साहब के पास भी 2 दिन पहले आई थी जो वेटनरी कॉलेज में यहाँ पर हैं। तो इससे प्रशासन से और वहाँ के प्रशासन लोकल चौकी जो है ये IPS हैं, जो उनके द्वारा अगर हमारे इस कार्य में सहयोग किया जाए लोकल थाने से गोसलपुर से, तो हम लोगों को बहुत बड़ा सहयोग मिल जाएगा इस विषय में। ये शायद सुअर मार बम सुअरों के लिए लगाए जाते होंगे, तो उसको ये खा लेते हैं। चारों साइड हरियाली रहती है, तो हरियाली के कारण ये घुसते हैं जब पेड़ों के नीचे, तो उसी के हमें खा लेते हैं ये। तो किसान लगा रहे कि कौन लगा? अब ये इसका आइडिया नहीं, किसान लगा रहे कौन, किसान तो नहीं लगा सकते क्योंकि ये खेत में होता ही नहीं है। ये खेत में होता नहीं है, ये शिकार के लिए लगाते हैं। इसको पहले तो हम गौशाला ले गए अपनी, गोसलपुर गौशाला विद्यासागर सेवाश्रम समिति, फिर सर्जरी क्रिटिकल केस होने के कारण आज इसको हम वेटनरी कॉलेज जबलपुर लेके आए हैं इसका ऑपरेशन कराने के लिए। गौ सेवकों का कहना है कि क्षेत्र में आधा दर्जन से ज़्यादा घटनाएँ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से गौ प्रेमियों में आक्रोश व्याप्त है।